नमस्कार उत्तराखंड दिनभर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ कुसुम राणा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में परिषद की ओर से परीक्षा परिणाम जारी किया गया। हाई स्कूल की परीक्षा में 77.74% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट का परीक्षा फल 82.63 रहा। वही शिक्षा मंत्री ने टॉपर्स को बधाई दी है। उत्तराखंड में जो हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हुई, इसमें हाई स्कूल में टोटल जो परीक्षा फल रहा है हमारा वो 77.47 रहा है। इसमें छात्रों का जो है 71.12% और छात्राओं का जो है 84.06 रहा है। मध्य प्रदेश के 30 यात्रियों से भरी बस यमुना नदी की तरफ खाई में जा गिरी। हादसे में 26 लोगों के शव को रेस्क्यू किया गया। वहीं आज सीएम धामी और मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार से मुलाकात कर उनका ढांढस बढ़ाया। साथ ही दोनों मुख्यमंत्रियों ने घटनास्थल का भी मुआयना किया। परिवहन मंत्री चंद्र राम दास ने यमुनोत्री मार्ग पर जाकर दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उत्तरकाशी से लौटे परिवहन मंत्री ने कहा कि घटना स्थल पर रोड सेफ्टी की कमी पाई गई है, जिसकी जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ठोस नीति बनाएगी। दुर्घटना हुई, ये रोड सेफ्टी के हिसाब से भी इसमें बहुत सी कमियां थी। NH की रोड होने के बावजूद भी रोड सिंगल है, इसका निर्माण होना बहुत आवश्यक है। रोड के किनारे डिवाइडर वगैरह भी इसमें नहीं लगे थे, इसकी जांच भी हम कराएंगे और दुर्घटना की जांच कराने के आदेश भी पहले ही दे चुके हैं। और मैं मानता हूं कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमारा विभाग भी और सरकार भी कोई ठोस योजना बनाएगी। उत्तरकाशी में बस दुर्घटना में मारे गए लोगों को लेकर कांग्रेस ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीप बोहरा ने बस की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बस की स्टीयरिंग फेल होने की बात कही जा रही है, जबकि यात्रा रूट पर जाने से पहले सभी कमर्शियल वाहनों का फिटनेस टेस्ट होता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या परिवहन विभाग पर्यटन विभाग अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहा है। क्या कारण रहे कि स्टेयरिंग के छर्रे फेल हुए, स्टेयरिंग के पीछे से बैरिंग्स फेल हुए या स्प्रिंग्स फेल हुए? फिटनेस सिर्फ कागजों में नहीं होती। जो चार धाम में यात्रा चल रही है और जो भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या अनुबंधित है किसी संस्था से, उसकी रूपरेखा तो RTO और सरकार ने देखनी है और पर्यटन मंत्री ने देखनी है, परिवहन मंत्री ने देखनी है। अवस्था आप पे हावी है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से होना सुनिश्चित हुआ है। बजट सत्र की सुरक्षा के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों के साथ विधानसभा सभागार कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में 8 से 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई। हमने सभी अधिकारियों से निवेदन किया है कि हम लोग समन्वय के साथ काम करें। हमारा विधानसभा का सचिवालय और शासन और पुलिस प्रशासन मिलकर समन्वय के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें ताकि विधानसभा सुचारू रूप से चले। उत्तराखंड दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। जहां 2014 से पहले भ्रष्टाचार चरम पर था, जनता के मन में घोर निराशा छाई हुई थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद पिछले 8 सालों में हर वर्ग सशक्त हुआ है, जिससे जनता के मन में एक नया विश्वास पैदा हुआ है और आज जनता के मन में भाजपा सरकार के लिए सम्मान है। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, जब पद ग्रहण किया था, तो आरंभिक दिनों में कहा था मेरी सरकार गरीब को समर्पित। मुझे नहीं लगता तब भी किसी को विश्वास हुआ होगा। जो एक धारणा बन गई थी कि नेता आते फिर भूल जाते हैं, आज 8 साल मुड़कर जिस संकल्प के साथ मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व संभाला था, उस संकल्प की सिद्धि होते हम देखते हैं। पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ में आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा का तीसरा दल पहुंच गया है। निगम के प्रबंधक दिनेश गुरु रानी के नेतृत्व में निगम कर्मचारियों ने तीसरे दल का स्वागत किया। इस दौरान दिनेश गुरु रानी ने यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ दिलाई। साथ ही उन्हें हिमालय क्षेत्र में पड़े हुए कूड़े को इकट्ठा कर धारचूला लाने की भी शपथ दिलाई। उधर यात्रियों ने मानसरोवर वाटिका में भी पौधरोपण किया। थराली के नारायणबगड़ विकास खंड में नियमों के खिलाफ पॉकलैंड मशीन को ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाया जा रहा है। इस पॉकलैंड मशीन से नई बनी हॉट मिक्स सड़क को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सड़क निर्माण करने वाले BRO के अधिकारियों को भी जानकारी नहीं है कि पॉकलैंड मशीन किसकी है। हालांकि BRO के अधिकारियों का कहना है कि अज्ञात के नाम पर मुकदमा जरूर लिखाया जाएगा।
हल्द्वानी के अंदर मिनी स्टेडियम में इन दिनों फायर महिला पुलिस की भर्ती चल रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि 435 महिला अभ्यर्थियों ने नामांकन किया था, जिनकी शारीरिक क्षमता आंकी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी के चलते किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। निश्चित रूप से यहाँ पे एम्बुलेंस रखी गई है, क्योंकि जितने कैंडिडेट अभी तक घायल हुए हैं सबको फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। और ये ज़्यादातर देखा जाता है लंबी कूद में कि उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बाकी इवेंट में ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। पानी की यहाँ पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, और क्योंकि आपका निश्चित रूप से भीषण गर्मी चल रही है, इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट जो है छाँव में बैठ कर ही अपने इवेंट में आते हैं। हल्द्वानी के कालाढूंगी थाने में तैनात एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने अपने थाना अध्यक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला कांस्टेबल ने थाना अध्यक्ष पर एक तरफा ड्यूटी करने का भी आरोप लगाया है। थाना अध्यक्ष से परेशान महिला कांस्टेबल ने नैनीताल तिराहे पर रो रोकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं सुबह 10 बजे से 6 बजे यहाँ से निकली हूँ घर को, सिर्फ 10-15-20 मिनट जितने भी गई मैं अपने खा के फिर तुरंत आ गई अपने पॉइंट पे। मैंने कभी इनसे कुछ नहीं कहा, इन्होंने फिर भी मुझे कपट लिखे हैं, इसकी गैरहाजिरी करो, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। मेरे पति को पहले इन्होंने परेशान करा, ना जाए यहाँ से। आपके पति किस डिपार्टमेंट में? पुलिस में है मेरे पति, इन्होंने मेरे पति को परेशान करा। कहाँ पे पोस्टिंग हुई इनकी? वो मुखाड़ी थाने में। इन्होंने मेरे पति की पोस्टिंग मुक्तेश्वर कर दी थी बिना समयावधि पूर्ण न होने के बाद भी। तो अब क्या है इसमें दिक्कत? ये कि ड्यूटी आपकी 6 बजे तक की पूरी हो गई आपकी? हाँ, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई थी, मैं ड्यूटी करके गई हूँ, फिर भी इनका फोन आ रहा कि इसकी गैरहाजिरी को और इसके खिलाफ कार्रवाई करो। उनके द्वारा जो है शिकायत जो उनके द्वारा सोशल मीडिया में भी कल की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए दीक्षित मैडम सीओ लाइन को पूरी जांच दी गई है। इसके जो 7 दिन के अंदर ये जांच करनी है, इसके जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लक्सर क्षेत्र के गांव डूंगरपुरी निवासी एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई है। महिला अपने पति के साथ जा रही थी, तभी अचानक से रास्ते में स्कूटी स्लिप हो गई, जहां महिला का सिर नीचे गिरकर पत्थर से टकरा गया और ज्यादा खून बहने के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अल्मोड़ा में पुलिस ने 3.5 लाख रुपए की कीमत का अवैध गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध गांजा अपने गांव से रामनगर और दिल्ली बेचने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इधर SSP प्रदीप कुमार राय ने पुलिस टीम को 2,500 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। संयुक्त सचिव भारत सरकार उपेंद्र कुमार जोशी का अल्मोड़ा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कोसी नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिला प्रशासन की संचालित योजनाओं का जायजा लिया और उसके बाद अमृत सरोवर एवं जल शक्ति के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुमार जोशी ने कहा कि जल संवर्धन के लिए जो भी जरूरतें होंगी उसका ड्राफ्ट तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। देखिए, जल शक्ति अभियान पूरे देश में चलाया गया है, जिसका कि बेसिक पर्पज़ है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए। और एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का, कि बारिश का जो पानी होता है हम उसको कैप्चर कर लें। तो हमारा जो अभी प्रेजेंट जो ये भ्रमण यहाँ हो रहा है, हम देखने के लिए आए हैं कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में किस किस तरह के काम प्लान किए गए हैं, जैसे कि बारिश आने वाली है उसमें कितना पानी हम स्टोर कर पाएंगे, कितना कंजर्व कर पाएंगे। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं, तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।